हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रमेश महतो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने हाथों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए पतंजलि के हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पतंजलि एंटी बैक्टीरियल हर्बल हैंड वॉश का डब्बा। इसे बनाने के लिए नीम और तुलसी का इस्तेमाल किया गया है। इसके इस्तेमाल से हाथों की सफाई अच्छे से हो जाती है तथा हाथों की नमी बरकरार रहती है। जैसा कि बहुत से व्यक्ति हाथों को धोने के लिए साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं, इससे होता यह है कि हमारे हाथों की नमी खत्म हो जाती है और बाद में हाथों पर रूखापन, सूखा तथा हाथों के फटने की जैसी समस्या होने लगती है। इसीलिए हर्बल हैंड वॉश का ही इस्तेमाल करें, जो कि आपके हाथों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसकी नेट क्वांटिटी 250 ml है और प्राइस 60 rupees है। इसे जब आप खरीदते हैं तो इसका पंप लॉक किया हुआ रहता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर बताए गए डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यह ओपन हो जाएगा। इसके इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाने पर इसे रिफ़िल भी कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके रिफ़िल पाउच के बारे में। ये है पतंजलि एंटी बैक्टीरियल नीम तुलसी हर्बल हैंड वॉश का पाउच। इसकी नेट क्वांटिटी 200 ml है और प्राइस 45 rupees है। ये है बाई टू गेट वन फ्री हर्बल हैंड वॉश का पाउच। इसमें दो हैंड वॉश के पाउच और एक 22 rupees का साबुन फ्री है। इसकी प्राइस 90 rupees है। ये है मेगा शेवर हर्बल हैंड वॉश का पाउच। इसकी नेट क्वांटिटी 750 ml है और प्राइस 99 rupees है। ये है नीम तुलसी हर्बल हैंड वॉश 1 liter का बॉटल और इसकी प्राइस 175 rupees है। ये है पतंजलि एलोवेरा हैंड वॉश का डब्बा। इसे बनाने के लिए एलोवेरा, मिंटसत, नीम, तुलसी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हाथों को साफ तथा सुरक्षित रखता है। इसकी नेट क्वांटिटी 250 ml है और प्राइस 60 rupees है। इसे भी जब आप खरीदते हैं तब इसका पंप लॉक किया हुआ रहता है। इसे खोलने के लिए इसके ऊपर बताए गए डायरेक्शन में घुमाते ही यह ओपन हो जाएगा। ये है एलोवेरा हैंड वॉश का पाउच। इसकी नेट क्वांटिटी 200 ml है और प्राइस 45 rupees है। ये है पतंजलि की जम से प्रोटेक्ट करने वाली एंटीसेप्टिक जर्मियक साबुन। इस कोरोना काल में इस साबुन से नहाना आप सभी के लिए फ़ायदेमंद तथा सुरक्षित होगा। इसे बनाने के लिए एलोवेरा, हल्दी, तुलसी, नीम, पुदीना शत, कपूर सत जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी नेट वेट 75 g है और प्राइस 30 rupees है। तो चलिए जानते हैं अब हाथों को जम्स या वायरस से सुरक्षित और सैनिटाइज रखने के लिए सैनिटाइजर के बारे में। ये है पतंजलि जर्मियक्स हैंड सैनिटाइजर का छोटा ट्यूब, जो कि 70% अल्कोहल के साथ। इसे बनाने के लिए नीम, तुलसी, एलोवेरा जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसे खोलने पर यह जेल के फॉर्म में होता है और इसका सुगंध वाकई में कमाल का है। इसका इस्तेमाल थोड़ी सी मात्रा में अपने हाथों पर करें और हाथों को तब तक अच्छे से रगड़ें जब तक सैनिटाइजर सूख न जाए। इसका इस्तेमाल केवल अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए ही करें, चेहरे या मास्क पर नहीं। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद आग वाले स्थानों से दूर रहें तथा आँखों से दूर रखें। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद हैंडवाश से ज़रूर धो लें। अगर आपको अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके स्थान पर विदाउट अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी नेट क्वांटिटी 50 ml है और प्राइस 25 rupees है। ये है पतंजलि की 120 ml की जर्मियक्स हैंड सैनिटाइजर की बॉटल। इसकी प्राइस 55 rupees है। ये है पतंजलि की 300 ml की हैंड सैनिटाइजर की बॉटल। इसकी प्राइस 130 rupees है। ये है पतंजलि की जर्मियक्स एडवांस हैंड सैनिटाइजर स्प्रे की बॉटल। इसे बनाने के लिए 70% इथाइल अल्कोहल, नीम, तुलसी, एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है और यह लिक्विड फॉर्म में है। इसे जब आप खरीदते हैं तो यह लॉक किया हुआ रहता है और वो ये बटन है, यहाँ पर ऑन और ऑफ लिखा हुआ रहता है। जब आप ऑन के साइड में बटन को दबाते हैं तभी ये काम करेगा। जब आप इसका यूज कर लेते हैं तो इस बटन को दबाकर बंद कर दें ताकि इसकी बर्बादी ना हो। इसका इस्तेमाल केवल अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए ही करें, चेहरे अथवा मास्क पर नहीं। इसकी नेट वॉल्यूम 200 ml है और प्राइस 110 rupees है और इसका सुगंध वाकई में कमाल का है।
इसका इस्तेमाल आग वाले स्थानों पर ना करें। इसके इस्तेमाल के बाद हाथों को हैंडवाश से जरूर धो लें। जो महिलाएं खाना पकाती है वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह है पतंजलि की जर्मीएक्स एंटीसेप्टिक लिक्विड की बॉटल। इसे बनाने के लिए हल्दी तेल, नीम तेल, पाइन ऑयल और एलोवेरा जूस का इस्तेमाल किया गया है। ये एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है। इसका इस्तेमाल शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाने या कट जाने पर प्राथमिक उपचार के रूप में उस स्थान पर लगा सकते हैं। शेविंग के दौरान कट जाने, शारीरिक खुजली, फुंसी या घमौरियों से परेशान हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के समय एक बाल्टी पानी में एक या दो ढक्कन एंटीसेप्टिक लिक्विड को डालकर नहा या कपड़े भी धो सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर या आँखों पर ना करें, इससे आपको समस्या भी हो सकती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से ना करें। इसका इस्तेमाल शरीर या कपड़ों पर जमे कीटाणुओं को खत्म करने के लिए उचित है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इनमें से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम आईडी में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो जल्द चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसी तरह के और भी नए वीडियोस लगातार पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस COVID-19 में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाकर जरूर देख लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।